गुड आफ्टरनून नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आपके ये लीनियर इक्वेशन वाली पॉलिनोमियल्स वाली एक्सरसाइज नंबर 2 आपके चल रही थी। इसमें हमने सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल उसके बारे में पढ़ा था, उसका एक फॉर्मूला था, ठीक है। उसके बाद हमने आपको जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल बताया था कि जीरो कैसे निकालते हैं। अब थर्ड वीडियो है, इसमें रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप पहले वीडियो देखिए, बीच बीच में मैं आपको समझाता रहूंगा, ठीक है। इसमें हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम स्टेट्स दैट इफ पी ऑफ एक्स इज अ पॉलीनोमियल इन एक्स एंड पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। लेट्स नाउ सी हाउ वी कैन वेरीफाई दिस थ्योरम। इट इज गिवन दैट the dividend is equal to p of x and the divisor is equal to x minus a. Let the quotient be q of x and the remainder be r. On the basis of the division rule, you can derive the equation p. देखो, रिमाइंडर थ्योरम का मतलब होता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल जो px फॉर्म में है, अगर उसे x माइनस a से डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि इस फॉर्म से डिवाइड कर दिया जाए, तो जो रिमाइंडर होगा वो p a की फॉर्म में होगा। जैसे कि मान लीजिए p x एक पॉलिनोमियल है, ये इक्वल होगा x माइनस a यानी कि जो इसको डिवाइड कर रहा है, q x यानी कि जो इसका क्वोशेंट आया, और प्लस इसका रिमाइंडर, ठीक है। आगे देखते हैं। q of x is equal to x minus a times q of x plus r. This equation is true for all real values. Therefore, if we assume x is ये equation सभी values के लिए true है, यानी कि सब जगह applicable है। Then p of a is equal to a minus a times q of a plus r. On solving, you get is equal to p of a। देखिए, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए x और a आपस में इक्वल है, अज्यूम कर रहे हैं हम, तो इस वाली इक्वेशन में x जहां जहां पे आ रहा है वहां वहां पे हमें a लिख देना है। तो x की जगह पे a लिख दिया तो pa, यहाँ पे a, x की जगह पे a लिख दिया तो a, q, और यहाँ पे x की जगह पे a लिख दिया। अब इसको सॉल्व किया तो pa equals to 0, a में से a गया तो 0, QA plus R, फिर जब इस QA को 0 से मल्टीप्लाई किया, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है, तो 0 plus R जिसे हमने लिख दिया R, तो therefore R equals to PA, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि जो इसका रिमाइंडर बचता है वो PA के बराबर होता है। आप ऐसा एग्जांपल आएगा तो उससे हम और अच्छे से समझ सकते हैं। इस एग्जांपल से हमें समझ में आ जाएगा px यानी कि एक पॉलिनोमियल है at x square minus 3x plus 5, इसको हमें डिवाइड करना है, डिवीजर लिया हुआ है x minus 2, x minus 2 से इसको डिवाइड करना है। आपकी बुक में इस तरह के एग्जांपल दिए हुए हैं, आप एग्जांपल्स को देखिएगा और फिर इसको दोबारा से वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप उस फॉर्मूला को अभी ध्यान ना रख के सिर्फ ये ध्यान रखें कि हमें at x square minus 3x plus 5 में x minus 2 से डिवाइड लगाना है। According to the remainder theorem, if p of x is a polynomial in x and p of x is divided by x minus a, then the remainder is p of a. Therefore, in this problem, the remainder r is p of 2. If you replace x with 2 in the polynomial p of x, you get अब रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, जैसा रिमाइंडर थ्योरम में हमने किया था। तो हमें क्या करना है, x की जगह पे 2 पुट करना है, तो px p2 यहाँ पे देखिए आप, उसके बाद 8x स्क्वायर यानी कि 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 3x की जगह पे वापस से 2 प्लस 5,
जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो आंसर आ रहा है 32 माइनस 6 प्लस 5 इक्वल्स टू 31. The R is equal to 31. Remainder theorem states that if P of X is a polynomial in X and P of X is divided by X minus A, then the remainder is P of A. The remainder theorem specifies the remainder in cases where the divisor is X minus A. However, there may be cases where the divisor does not appear in the form X minus A. In such situations, you can use the following guidelines to determine the remainder in the division of a polynomial. If a polynomial P of X is divided by X plus A, then the remainder is P of minus A. If a polynomial P of X is divided by AX minus B, then the remainder is P of B divided by A. If a polynomial P of X is divided by AX plus B, then the remainder is P of minus B. Remainder theorems ke kuch conclusions hain. X plus A ki form mein agar divisor hai, to uska remainder P bracket A, minus A bachega. Agar AX minus B ki form mein hai, to P B upon A bachega. Agar AX plus B ki form mein hai, to remainder P minus B upon A form mein bachega. Equations mein kaise hota hai, wo dekhte hain. Then solve some problems. In the first problem, you need to find the remainder when a polynomial minus 8x cubed plus 4x squared minus 2x plus 7 is divided by another polynomial x plus 1. Here, the divisor is x plus 1. According to the guidelines provided, if P of x is a polynomial in x and P of x is divided by x plus a, then the remainder is P of minus a. तो इस प्रॉब्लम में भी आपको x प्लस 1 से डिवाइड करना है. x प्लस 1 को आप 0 पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी, तो p माइनस 1 इसका रिमाइंडर बचेगा. देखते हैं, p ऑफ माइनस 1, इफ यू रिप्लेस x विद माइनस 1 इन द पॉलीनोमियल, आपको माइनस 1 पुट करना है इस इक्वेशन में, यानी कि 8x यानी कि माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 प्लस 7. अब इसको आगे सॉल्व करेंगे. देखिए x, यू गेट 8 माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 प्लस 7 माइनस 8 इंटू माइनस 1. माइनस 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1 प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 रह जाएगा माइनस 2 माइनस 1 प्लस 7. तो आंसर आ जाएगा माइनस 1 इंटू माइनस 8 8 4 बन जा 4 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 7 आंसर आ जाएगा 21. तो p माइनस 1 इक्वल्स टू 21. इस तरीके से आपको सॉल्व करना है. नेक्स्ट प्रॉब्लम, यू नीड टू फाइंड द रिमेंडर विद अ लीनियर पॉलीनोमियल 2x माइनस 1.